हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मॉर्निंग। आज के इस हिंदी के एपिसोड में मैं आपको कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा। तो फिर चलो वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है वन स्पून ऑफ न्यूट्रॉन स्टार का वेट कितना होता है? नहीं ना? तो फिर चलो फिर मैं बता देता हूँ। उसका वेट होता है 6 बिलियन टन। इतना होश उड़ गए ना? इतना ही होता है उसका वेट। वो सबसे डेंसेस्ट एटम में से एक है। उसका जो एटम होता है वो सबसे डेंस माना जाता है इस मुकाबले में, पूरे यूनिवर्स में होने वाले एटमों में से। तो फिर आप ढूंढेंगे यूट्यूब नेट पे कि कौन से इसके ज़्यादा डेंसेस्ट है, आपको नहीं मिलेगा इसके ज़्यादा और डेंसेस्ट एटम। फैक्ट नंबर 4, अमेजोन की जो वर्षा बने होती है, आपको पता ही होगा अमेजोन का नाम आपने कितने बार सुना होगा। उससे ज़्यादा फला फुला और जंगल इस दुनिया में आपको कभी नहीं मिलेगा, कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। पर उसका एक रोचक तथ्य आपको पता है, वो पूरी दुनिया में से कुल मिला के 20% ऑक्सीजन को जनरेट करता है, इसलिए उसे वर्ल्ड के फेफड़े भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है आपका ब्रेन यानी कि सेरेब्रम, सेरेबेलियम और अदर पार्ट्स लाइक लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, वो कब एक्टिव होते हैं? नहीं ना? तो फिर चलो मैं बता देता हूँ। वो दिन के समय ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, क्योंकि हम दिन के समय ज़्यादा वर्क्स नहीं करते हैं मुकाबले में रात के समय। तो वो ज़्यादा काम सुबह के समय नहीं करते। न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे ब्रेन में, वो दिन के समय ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, वो रात के समय इतने एक्टिव रहते हैं कि हमारे ब्रेन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, तभी ही हम दूर दूर के सपने रात को भी देख सकते हैं। इसका ये सबसे बड़ा रोचक तथ्य था। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है सूरज की किरणें जो होती है वो 8 मिनटों में यानी पृथ्वी पर आ जाती है, और उसके 1 मिलियन ईयर लगता है सूरज के कोर से निकलने के लिए। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है एस्ट्रोनॉट स्पेस में कभी भी रो नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, ये है उसका कॉज। पर उसके लिए उसके आँखों से आंसू भी नहीं आ सकते। ये सबसे बड़ी रोचक तथ्य थी। ये थे आज के 5 फैक्ट्स। तो फिर चलो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना।